कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर आपकी भी आंखें सहम जाएंगी। रेलवे स्टेशन में कूड़े कचरे बेचकर अपना पेट पालने वाले इन मासूम बच्चों की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। रेलवे स्टेशन पर कचरा इकट्ठा कर रहे बच्चों से जब निशन न्यूज की टीम ने बातचीत की तो मासूम बच्चों ने कहा, सुबह से ही भूखे हैं, किसी ने पानी तक नहीं दिया, कहते हैं दूर हटो कोरोना है। अब ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच इन बच्चों की बदहाल स्थिति का सुध लेने वाला कोई नहीं। सहरसा में जमीनी विवाद में खूनी झड़प ऐसा देखा गया कि एक ही परिवार के दो दो लोगों की अर्थी एक साथ उठी। दरअसल यह घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक पक्ष के दो लोग चाचा भतीजे को गोली लगने से उनकी मौत हो गई। इस गोलीकांड में पुलिस ने दो आरोपी को हथियार के साथ भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर कैंप कर रही है। प्रशासन से हम यह मांग करते हैं कि आज जो अभियुक्त अभी बचा हुआ है, जैसे संजीव यादव बचा हुआ है, राहुल बचा हुआ है, रुपेश बचा हुआ है, इनके जितने भी परिवार हैं, सभी के सभी अपराधी छवि के हैं। और आज सुबह में भी ये हमारे दरवाजे पर आकर के धमकी देके गया है, जो एक एक को परिवार में बचने के लिए नहीं देंगे, तो हम अविलंब इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। पुलिस द्वारा पूर्वी चंपारण जिले में भूमाफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंद जमीन के टुकड़ों के लालच में भूमाफिया कमजोर लोगों से जमीन हथियाने की नियत से दहशत फैला रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक के पास का है, जहां दिन दहाड़े एक जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जमीन मालिक के सामने सैकड़ों की संख्या में भूमाफियाओं ने उत्पात मचाया और पीड़ित परिवार से जबरन जमीन रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया। घटना के संबंध में पीड़ित जमीन मालिक ने नगर थाने सहित मोतिहारी एसपी को इसकी सूचना दी है, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जमीन हम एक लिए है जानपुर भी मार्ट के पास में 1997-98 में, एक कठन नौ दूर पत्नी के नामे और भाभी के नामे खरीदा हूँ। वो रंगदारी का मैटर था जिसमें हमने FIR किया, जिसका केस नंबर 719-20 है टाउन PS। उसमें कोई अरेस्टिंग कोई गिरफ्तारी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन लोग का मन बढ़ा हुआ है और वे असामाजिक तत्व के मिल के जिसमें सब धीरज जायसवाल करवा रहे हैं, धीरज जायसवाल वर्ल्ड। शेखपुरा के जिला अधिवक्ता कार्यालय में शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला विधिक संघ के निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सहित एक दर्जन से अधिक पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि वोटों की गिनती भी आज यानी शनिवार को ही की जाएगी। गौरतलब हो कि यह चुनाव हर दो साल पर किया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को जिला अधिवक्ता कार्यालय में अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग कर मतदान कर रहे हैं।